रेडियो की हिस्ट्री में सबसे पहला रेडियो टॉक शो आप सुन रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज यस और ये लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आरजे मीनाक्षी 94.3 फोर पॉइंट थ्री माई एफ एम पर शुरू हो चुका है माई मनी गुरु विच इज ब्रॉटिया और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे इन्वेस्टमेंट गुरु प्रणाम Natty, that's right, तो आपने कहा था कि ये जो करेंसी में फ्लक्चुएशन चलता रहता है येजिंग ये करके रोका जा सकता है रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है इनफैक्ट खत्म किया जा सकता है अब ऑनेस्टली जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है मतलब नहीं है इस मामले में लेकिन का मतलब मुझे से कुछ लगता है लेमेन टर्म में मुझे बताइए करंसी हेजिंग क्या है मीनाक्षी करंसी हेजिंग का मतलब है जैसे मान लीजिए आपको इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर है मान लीजिए आपको परचेज ऑर्डर मिलता है और आज की डेट में अगर मान लिया साठ रुपए का एक डॉलर है।, है तो डॉलर चाहे सत्तर का हो चाहे पचास का हो चाहे अस्सी का हो चाहे चालीस का हो आपको साठ रुपए के हिसाब से ही डॉलर कन्वर्ट होगा हमेशा okay, मतलब हो okay, हम आ, अपने इंडियन रुपी की बात करें तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताएंगे मीनाक्षी इट इज एक्चुअली अगर आप इसके बारे में इफ यू नो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रुपी रिलेज की इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में तब एक रुपए का एक डॉलर था तो एक डॉलर दो एक रुपया मिलेगा पिछले साल एक डॉलर के बदले में सत्तर रुपए मिल रहे थे और आज एक साल के बाद एक डॉलर के बदले में साठ रुपए मिल रहे हैं और आज से दो साल पहले एक डॉलर के बदले में चालीस रूपए मिल रहे थे right. तो ये क्या हो रहा है आप कहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो कहां hmm. पर आपको पैसा मिलेगा hmm. बहुत बड़ा रिस्क पोज करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स के ऊपर की कभी आपको परचेज ऑर्डर मिला एक मिलियन डॉलर का hmm. तो आपको ये नहीं मालूम आपको उसका पांच करोड़ मिलेगा, hmm. मिलेगा या चार करोड़ मिलेगा या छह करोड़ मिलेगा रिस्क बना रहता है हमें रिस्क बना रहता है दैट इज इज दैट्स बिल्कुल मेक्स सेंस क्यों करेंसी हेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन जैसे आप थोड़ी देर पहले जब हम कॉफी पी रहे थे बता रहे थे कि इनफैक्ट रिस्क कम और खत्म भी किया जाए

7000 पे या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं www.mymoneyguru.finveja.com पे सुंदरी माय एफएम जियो दिल से इन इन्वेस्टमेंट हैव एन एज ज <laughs> नैटी मेरे मीनाक्षी के साथ और आप हैं मानी गुरु ट्यूबर फिमेर मेरे साथ के है पर क्या तरीका है कि ये जो की जो रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है उससे कैसे बचा जाए ऑल्सो आप जो ये क्लेम कर रहे थे की फाइव टू सेवन परसेंट एक्स्ट्रा प्रोफिट बनाए जा सकते हैं हेजिंग करके तो ये कैसे हो सकता है थोड़ा सा बताए मीनाक्षी आई जस्ट वॉन्ट यू मैग्टूड फाइव टू सेवन परसेंट उसका

अधिक मिलता है और वो प्रॉफिट हमेशा बैंक के पास जाता है तो मुझे छह करोड़ रूपए का आज कर दो बैंक अच्छा। क्या रेट होगा उसे नहीं मालूम तो बैंक क्या करेगा बैंक आज ही एक मिलियन डॉलर यूएस से उधार उठाएगा और उसको इंडिया में मूव कर देगा उसे मालूम है कि आपने ये पैसा उनसे लेना है अब हुआ क्या जब यूएस उधार लिया यूएस में तो पॉइंट पे उधार मिलता है इंडिया में पैसा लाकर

चलिए बहुत सारे लेकिन फिर भी मिथ्स और फैक्ट्स हैं करेंसी हेजिंग है को लेके वो क्या है इस बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर में आप सुनते रहिए 94.3 पॉइंट का ये शो माई मनी गुरु इज ब्रॉट यू अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड की कैसे इन्वेस्टमेंट करें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या आप रेगुलर इन्वेस्टर है तो आप डायल कर सकते हैं एक नंबर जीरो वन रहिए टू डबल मीनाक्षी के साथ जी कंप्यूटर जी इस जवाब को लॉक कर दिया जाए है? <laughs> कुछ ऐसे ही होता है करेंसी हेजिंग Yeah. Yes, uh, करंसी हेजिंग, हेजिंग के क्या क्या बेनिफिट और फायदे हैं uh, मीनाक्षी uh, सबसे बड़े जो, जो लोगों के मन में है की करजिंग एक सिर्फ बड़ी कंपनी ही कर सकती हाँ. है छोटी कंपनी नहीं कर सकती या फिर करेंसी हैजिंग भी सट्टा hmm. बाजार है फिर करेंसी हैजिंग आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेंसी की फ्लक्चुएशन के ऊपर करने के लिए बना रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता इन रियलिटी करेंसी करंसी हर एक इंसान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व uh, है चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी चाहे वो पचास लाख uh, साल में एक्सपोर्ट करते हैं या वो पचास हजार करोड़ का करते हैं हेजिंग वो कर सकते हैं इट इज नॉट स्पेक्शन ऑन द करेंसी इट एक्चुअली सेव यू फ्रॉम द फ्लक्शन ऑफ द करेंसी एंड यू आर नॉट लेफ्ट टू द द फेट ऑफ मार्केट इन दैट रिस्पेक्ट अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं दो से लेकर दो तक पिछले एक साल में टोटल हिंदुस्तान में जो करेंसी के जो फ्यूचर यूज होते हैं हेजिंग के लिए उसमें टोटल ट्रांजेक्शन हुई है अट्ठाईस लाख करोड़ की और अगर मैं बात करता हूं सिंपली हिंदुस्तान की जो आई टी फर्म्स है उसमें से टोटल पर ईयर जो आई टी फर्म्स एक्सपोर्ट करती है तकरीबन सौ बिलियन डॉलर का करती है एन गि सौ बिलियन डॉलर कितना होता है हाँ। करीबन छ लाख करोड़ और उसमें से हमारा अंदाजा है तकरीबन तीन लाख करोड़ लोग हेज नहीं करते क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है दैट कम्स फ्रॉम द स्मॉलर कंपनी

पॉइंट थ्री पर आप सुनते रहिए माय मनी गुरु दिस और आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर है जीरो वन सेवन टू डबल सिक्स सेवन डबल जीरो डबल जीरो पे या फिर आप विजिट भी कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट पे सुनते रहिए माइफ मीनाक्षी के साथ जियो आज कल आप मौसम का मिजाज देख रहे हैं बड़ा बदलता है